alaikum class, how are you all? I hope you all are fine and taking your all the classes along with English subject. You are most welcome to this channel, and uh, if you want to get further notifications about updated videos, you can subscribe the channel and hit the bell icon, so that you may not face any trouble. And there is no need to text me and ask me about my next video, but you can. Check into this channel and you can get the new videos. We are going to study our chapter 8 Goodbye, Mr. Chips by James Hilton. This is chapter 8. This is a very short chapter. The most important, the very moving, and the very sad event of the novel has been told in this chapter. This is quite a one page so. आई वुड लाइक कि मेरे स्टूडेंट्स जो हैं इसकी वर्ड टू वर्ड रीडिंग करें आई ट्राई कि मैं आपको थोड़ी सी रीडिंग खुद करवा देती हूँ लेकिन आई वुड लाइक कि आप लोग भी रीडिंग किया करें और उसको अंडरस्टैंड किया करें एंड देर वॉज ऑलवेज इन हिज माइंडिंग डे इन नाइनटी एट वेन ही हैड पेस थ्रू ब्रूक फील्ड एज इन सम हॉरीफाइंग नाइट मेयर हाफ स्ट्रगलिंग टू स्केप इन टू एन आउटसाइड वर्ल्ड वेयर दन स्टिल शोन एंड वेयर एवरी थिंग डिफरेंटली ये एटीन नाइनटी एट यानी कि अठारह सौ के मौसम बहार का दिन था हमेशा उसके जहन में रहता था जब भी वो ब्रूकफील्ड गांव में से ऐसे गुजरता था जैसे कोई दहशतनाक ड्रावना सा ख्वाब देख रहा हो और उसका दिल करता था कि वो एक बैरूनी दुनिया में फ़रार होने की कोशिश करे जहाँ पे सूरज जब भी चमकता हो और हर चीज़ मुख्तलिफ अंदाज में वाक़ होती हो Young had met him there in the, lane outside the school नौजवान छोटा जो है फाल्कनर uh, उसे स्कूल के बाहर गली में मिला प्लीज सर आई हैव द आफ्टरनून ऑफ क्या मैं सपहर को छुट्टी कर सकता हूँ माई पीपल आर कमिंग मेरे अहले खाना आ रहे हैं ए वट्स दैट ओ यस 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 एंड कैन आई गो टू देशन टू मीट दम और क्या मैं उनसे मिलने स्टेशन भी जा सकता हूँ हे नियरली आंसर्ड उसने तकरीबन यही जवाब दिया होगा यू कैन गो टू ब्लेजर्स फॉर ऑल आई केयर तुम जहन्नम में जाओ मुझे इसकी बिल्कुल परवाह नहीं है माई वाइफ इज़ डेड एंड माई चाइल्ड इज़ डेड एंड आई विश आई वैड माई सेल्फ मेरी बीवी फौत हो गई है और मेरा बच्चा मर गया है और मेरी ख्वाहिश है कि मैं भी मर जाता सो दिस इज़ द मोस्ट सैडस्ट एंड मोस्ट वर्ड इवेंट ऑफ दिस नावल कि जहाँ पे मिस्टर चिप्स की वाइफ कैथरीन और उसके न्यूली बॉर्न बेबी की डेथ होती है अब लोगों का और उसका अपना रिएक्शन क्या है उसकी डेथ पे एक्चुअली ही नॉर्डर्ड एंड स्टम्बर ऑन असल में वो उसने सर हिलाया था और वो लड़खड़ा रहा था ही डिड नॉट वॉन्ट टू टॉक टू एनी बॉडी और टू रिसीव कंडोलेंस कंडोलेंस का मतलब होता है ताज़ियतें वो ना किसी से बात करना चाहता था और ना ताज़ियत वसूल करना चाहता था ही वॉन्ट टू गेट यूज टू थिंगस वो चीज़ों का आदि होना चाहता था इफ़ ही कोड बिफोर फेसिंग द काइंड वर्ड्स ऑफ अदर्स लोगों के रहमदिल्फा लेने से पहले उन्हें फेस करने से पहले वो चीज़ों का आदि होना चाहता था टुक इज फोर्थ heart. उसने अपनी चौथी क्लास ली हाजरी के बाद और बच्चों को ग्रामर याद करने पे लगा दिया वाइल ही ट्रांस जबकि वह खुद डेस्क के करीब मुसलसल एक सर्द और सख्ते की हालत में ठहरा रहा सडनली समन सेड प्लीज सर देर आर अट ऑफ लेटर्स फॉर यू अचानक किसी ने कहा ब्राह क्रम सर आपके लिए बहुत से खतूत हैं सो देवर ही हैड बिन लीनिंग हिज एल्बोज ऑन दैम देवर ऑल अड्रेस टू हिम बाय नेम बस वो वहाँ ख़तूत पर थे और अपनी कॉनियों उसके ऊपर टिकाए हुए था वह तमाम खतूत उसके नाम के थे ही टोर दैम ओपन वन आफ्टर द अदर बट ईच कंटेंड नथिंग बट अ ब्लैंक शीट ऑफ पेपर उसने एक एक करके फाड़ कर इन्हें खोला लेकिन हर एक में माँ सिवाय एक खाली कागज़ के और कुछ भी नहीं था ही थॉट इन अ डिस्टेंट वे दैट इट वॉज रिक बट ही मेड नो कॉमेंट उसने कुछ खैर अंदाज में सोचा कि यह कितनी अजीब बात है लेकिन इसने कोई तबसरा ना किया द इंसिडेंट गेव हार्डली एन इम्पैक्ट अपॉन इज वास्टली ग्रेटर प्री ऑक्योपेश इस वाक्य ने इसकी वसी गहरी जहनी मशगूलियत पर असर डाला नो टिल डेज आफ्टर वर्डीरियलाइज दैट इट है पीस ऑफ अप्रैल फूलले इससे कई दिन बाद तक महसूस ना हुआ कि ये तो अप्रैल फूल रहे था देड डाइड ऑन द सेम डे द मदर एंड द चाइल्ड जस्ट बॉर्न ऑन अप्रैल फर्स्ट इन एटीन नाइन्टी एट उसने बाद में महसूस किया कि वो उसी दिन तो फौत हुए थे माँ और नौजायदा बच्चा यकम अप्रैल एटीन नाइन्टी एट को दिस चैप्टर इज़ वेरी शॉर्ट वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल और इसको अंडरस्टैंड करना मुश्किल नहीं है कि इस दिन यकम अप्रैल एटीन नाइन्टी को कैथरीन की और उसकी न्यूली बॉर्न बेबी की डेथ होती है और चिप्स का रिएक्शन क्या है कि लोगों ने उसको बहुत से लेटर्स भेजे हैं वो लेटर्स खाली ख़तूत हैं उसे बाद में महसूस होता है कि ये तो लोग उससे अप्रैल फुल खेल रहे थे क्योंकि वह यकम अप्रैल का दिन था जो कि वेस्ट में यूरोप में अप्रैल फूल के तौर पर मनाया जाता है क्लास यू विल हैव टू मेमोराइज द रिलेटेड क्वेश्चन अगर आपको क्वेश्चन में कोई डिफिकल्टी आए यू कैन आस्क मी इन माई व्हाट्सएप ग्रुप और इन द कमेंट, एंड यू विल हैव टू मेमोराइज द रिलेटेड सिनोनिम्स ऑफ दिस चैप्टर सी यू टुमारो इनशाला हाफ